दोस्तों अक्सर इंस्टॉलेशन के दौरान आपके सामने आ जाता है कि आप इन्हीं लाइंस को होस्ट फाइल्स के अंदर आप ऐड कर लें, और हमसे अक्सर ये नहीं हो पाता कि हम उन लाइंस को होस्ट फाइल्स के अंदर कैसे ऐड कर लें, और फिर हमारा वही सॉफ्टवेयर जो है वो काम नहीं करता। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने किस तरह पार्टिकुलर आईपी एड्रेसेस को होस्ट फाइल के अंदर आपने ऐड करना है। डॉक्टर टेक के एक नई वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लें, ताकि इस तरह के टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तरीक़ाकार बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले आप उस होस्ट फाइल वाले फाइल को ओपन कर लें जो कि आपको इंस्टॉलेशन के दौरान गिवन है। आप उसको ओपन करेंगे, फिर उसके बाद आप सी ड्राइव में चले जाएं। सी ड्राइव में जाने के बाद आप विंडोज़ वाले फोल्डर में चले जाएं, फिर विंडोज़ वाले फोल्डर के अंदर सिस्टम 32 वाले फोल्डर में चले जाएं, फिर उसके बाद आप ड्राइवर्स वाले फोल्डर में चले जाएं, और फिर उसके अंदर ETC का जो फोल्डर है उसमें आप चले जाएं, तो आपके सामने होस्ट फाइल जो है वो मेंशन्ड होगा। अब हम यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते। आपने करना क्या है कि इस होस्ट फाइल को कॉपी कर लें और किसी भी फोल्डर के अंदर आप उसको पेस्ट कर लें। फिर इसी फाइल को ओपन करने का तरीक़ाकार क्या है कि आप इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद ओपन विद वाले आइकन के ऊपर आप क्लिक कर लें, और फिर आप नोटपैड को चूज़ कर लें। आप नोटपैड में इसको ओपन कर सकते हैं। नोटपैड में ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि दिस इज सिंपल होस्ट फाइल्स। फिर आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन कर लें और एक दफ़ा एंटर का बटन प्रेस कर लें। फिर जो जो लाइंस आपने वहाँ पे ऐड करनी है उन लाइंस को कॉपी कर लें और उसी होस्ट वाले फाइल के अंदर पेस्ट कर लें और उसकी सेटिंग को प्रॉपर कर लें। फिर उसके बाद आप फाइल में चले जाएं और फाइल के अंदर इसको सेव कर लें। इस फाइल को आप क्लोज़ कर लें, दोबारा से उसी फाइल को कॉपी कर लें और फिर से वही ETC फोल्डर में जाके उसको पेस्ट कर लें। तो इसी तरह आप अपने लाइंस को होस्ट वाले फाइल्स के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लें। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।